अल्लाह ताला की तरफ से आप बुजुर्गों को भी अल्लाह आप सबको भी और हाजिर करना कुरान ये है कि हम हर अमल जो करें उसको नियत की हो ये हाजिर अल्लाह से राजी हो कोई और के गैर ना हो करे दौलत है शोहरत है पैसा है इज्जत है तकबर है पढ़ाई हो ये नियत हो कि हर मसले अल्लाह राजी हो अल्लाह खुश हो रिया मोहन की दावत में शो करो तो हमारा जो दुनिया में है हमारी दीन की सारी कोई अल्लाह से अमल सब है नियत अगर अल्लाह को राजी करने के लिए अमल करें है तो उसकी वैल्यू और कीमत है अल्लाह का आगे पूरा अजर सवाब कोई और नियत है तो आज अल्लाह का दुआ देता हूँ अल्लाह माता है तो दीन का सलाती परसुती और महिलाया और मवाती लिल्लाह इल्लाह जिंदगी मौत मेरा मरना जीना सिर्फ अल्लाह के लिए कुरानी आ फरमा दिया है मेरे हबीब मेरी नमाज इबादत सारे आमाल यहाँ तक के जिंदगी जीना और मौत मरना सब अल्लाह के लिए जो सारी मखलूकात की परवरिश करने वाला है जिसकी ज़ात में इबादत में इस्तेकाक इबादत में उसके अफाल में कोई शरीक नहीं तो ये इखलास की तरफ बुरी है सरकार हर चीज़ अल्लाह के लिए होना मोमिन का जो वाकई मोमिन है हर काम उसका अल्लाह के लिए होना चाहिए देना भी अल्लाह के लिए लेना भी अल्लाह के लिए दुश्मनी भी अल्लाह के लिए मोहब्बत भी अल्लाह के लिए अब खुद की और हदीस कुरानी आयत है अल्लाह फरमाता है वल्लज़ीन युन्फिकून अमवालहुम रिया अन्नास वला युमिनून बिल्लाहि वला बिल्यौमिल आखिर जो लोग दूसरे लोगों के दिखाने के लिए दूसरों को दिखाने के लिए अपना माल खर्च करते हैं अल्लाह के लिए नहीं है दिखाने के लिए लोग देखे वहाँ अखबार में नाम आ जाए चार में से पूरे पोंडा हो जाए वला युमिनू बिल्लाहि वला बिल्यौमिल आखिर हकीकत में ये लोग अल्लाह पर और क़ियामत पर ईमान ही नहीं रखते जो दूसरों को दिखाने माल खर्च कर रहे खुदा के लिए नहीं कर रहे शोहर के लिए कर रहे हैं शोहरत के लिए कर रहे हैं हकीकत है वो मोमिन नहीं है कि अल्लाह पर क़ियाम पर ईमान नहीं है फिर वो माया वमन यकुन शैतान लहू क़रीनन फसा क़रीना और जिसका साथी शैतान हो वो बतनी साथी और खुद और एक आयत है अल्लाह फरमाता है फ़वैलुल लिलमुसल्लीन ऐसे नमाजियों के लिए आखिरत की दायमी ज़िंदगी में बर्बादी है हलाकत है वैल है जो अपनी नमाजों से गाफिल है अल्लज़ीना हुम युराऊन जो दिखावा करते हैं और साहून जोरा उमर के हैं एक तो गफलत कर रहे एक तो टाइम गुजार के पढ़ रहे फजर की नमाज इनके 11 बजे जोहर की 4:15 बजे असर की 6:45 को मगरिब की 8 बजे ईशा की रात के 2 बजे पढ़ रहे टाइम पास करके पढ़ रहे हमेशा ये मुराद है गाफिल दूसरे दिखावे वाले हैं शो कर रहे ये सब उसमें दाखिल है फरमाया वयमना उनल माउन और आम इस्तेमाल की चीज़ों से लोगों को रोकते हैं आम चीज़ पानी है नमक है और इमली है कुलाड़ी सुई तस्वीर लिखा है कोई मंगा तो देने का हुक्म है पानी है तो देना नमक है देना बराबर रुकना जायज़ नहीं है नमक है पानी है सुई है कुलाड़ी है फौड़ा है इमली है पानी है ये देना बराबर खुद की हदीस है रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आया मन अहब्ब लिल्लाह व अबगज लिल्लाह व आता लिल्लाह व मना लिल्लाह फ़क़द इस्तकमल अल ईमान जो शख्स किसी से मोहब्बत करे तो अल्लाह के लिए दुश्मनी भी हो तो ज़ात के नहीं अल्लाह के लिए किसी को देता भी है तो कोई गर्ज नहीं है अल्लाह के वास्ते ज़िंदगी पर अज़ियत दी है माल से महरूम किया फिर कुछ दिन बाद वो तंगी आ गई इसको अरे इसको नहीं देना ये बेमान है ये हमारा हक मारा नहीं हमारी ज़ात के लिए नहीं अल्लाह के वास्ते भाई है मामू चिच्चा है मुस्तहक है अगर जिस ज़िंदगी पर तकलीफ दिया है आज तंग दस्त भीख मांग रहा है बदला नहीं लेना है जान दो तो देना अल्लाह के लिए है कुरान में क्या है वयुहिब्बुल ताम अला हुब्बिहि मिस्कीन व यतीम व असीरा जो नेक बंदे हैं अल्लाह के ख़ास खिलाते हैं खान अल्लाह की मोहब्बत में मिस्कीन यतीम कैदी को फिर क्या कहते हैं
इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाह, हम जो खाना खिलाए हैं सिर्फ अल्लाह को राजी करने के, अल्लाह को कुछ करने के लाए, तुम्हारे लिए नहीं खिलाए हम, अल्लाह को कुछ करने खिलाए खाना, अल्लाह की खुशनुदी की खिलाए। ला नूरी दुमिनकुम जज़ाउ वला शुकूरा, हम इसके बदले में ना कोई इसके जगह बदला जाते हैं बदला दो, वला शुकूरा, और ना हम ये चाहते हैं कि तुम शुक्रिया अदा करो, ना शुक्रिया अदा करो ना बदला दो, हम तुम्हारे लिए नहीं खिलाए, नेक लोग होते हम तुम्हारे लिए नहीं खिलाए खाना, उसको खुश के नहीं खिलाए। वही बात हदीस में आई है, सरकार मानते इन नमल आमालु बिनियात, उलमा लिखे कि हदीस दीन की बुनियाद है, रसूलुल्लाह हमारे बुखारी की हदीस है, सारे आमाल का इन्हिसार, सारे आमाल मुनहसर है, डिपेंड है किस पर, बिनियात, दिली इरादे पर है। इरादा क्या है, जो भी अमल कर रहे हैं अल्लाह को खुश करना है या कुछ मतलब निकालना है या अबाब डालना है या शोहरत है या पैसा है या दौलत है, मैं सिर्फ उसके लिए करूँ जो अल्लाह के लिए कबूल। हदीस में आया है सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आया क़ियामत के दिन अल्लाह ताला बंदे से फरमाएगा, अरे बंदे तूने मुझको धोखा दिया। बंदा कहे या अल्लाह तुझको धोखा कैसे दिया जा सकता है, फरमाएगा कि जो आमाल मेरे लिए करना था तू लोगों के लिए किया है, जो नेक आमाल है मेरे लिए करना था तो लोगों को दिखाने किया, अखबार में डाला लोगों दिखाया पब्लिक में प्रोपटा किया। और हदीस शरीफ में आया है खास और सियाता की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आया क़ियामत के दिन सबसे पहला मुकदमा एक आलिम और कारी का होगा, आलिम और कारी जाहिल नहीं, देखिए एक मुजाहिद का होगा पहला जो लड़के मर गया, सेकंड आलिम कारी का, थर्ड सकी का, जो लड़के मर गया इस्लामी के लिए अल्लाह क़ियामत में बोलेगा तूने नेमतें दिया सेहत दिया आफियत दिया तूने क्या किया, कहेगा या अल्लाह मैंने तेरी राह में लड़ा लड़ते लड़ते शहीद हो गया कत्ल हो गया, फरमाएगा अल्लाह तूने झूठ कहा, तूने मेरे लिए नहीं लड़ा इसलिए लड़ा लोग तुझको बहादुर कहें शजी कहें, बदला मिल गया दोजे में डाल दिया जाए। दूसरा मुकदमा आलिम और कारी का आएगा, आलिम कारी आए बंदे सेहत दिया आफियत दिया इल्म दिया तू क्या किया मेरे लिए, तालम दुलमवाब करातुल कुरान आना ले वन्नहार, कहेगा या अल्लाह मैंने इल्म सीखा तेरे लिए दिन रात तेरे लिए कुरान पढ़ता था, अल्लाह मैं कहा झूठा है तू, मेरे लिए ना इल्म सीखा ना कुरान पढ़ा, इल्म दीन इसलिए सीखा लोगों में आलिम मशहूर हो लोग तुझके आलिम कहें, और खुरा खिलाफ इसलिए पढ़ा कि लोग तुझको कारी कहें, बदला मिल गया मुँह केवल खींच कर फरिश्ते दोजे में डाल देंगे। तीसरा मुकदमा सख़त और सगी का आएगा, हज़ारों लाखों रुपये खर्च कर दिया करोड़ों रुपये खर्च कर दिया अल्लाह हम जिला का नियमत दिया नियमत दिया पैसा दिया दौलत दिया तूने क्या किया, या अल्लाह तेरी कोई राह मैंने नहीं छोड़ी तेरे हर राह में मैंने माल खर्च किया पैसा खर्च किया सखावत की, फरमाएगा मेरे लिए माल नहीं खर्च किया इसलिए माल खर्च किया लोगों में सखी मशहूर हो दाता मशहूर हो, बदला मिल गया मुँह के बल दो जगह डाल दिया जाएगा। तो जो नीयत की बड़ी कीमत रूह है इखलास, बस अगर नुमाया इन्ना यसीर रिया शिरकुल, थोड़ा सा दिखावा भी शिरक है। आज हमारे पास भाई अच्छे भी हैं मुखलिसीन, ज़्यादातर फुरबोंडा आबारबाजी जलसेबाजी दिखावा हर चीज़ का दिखावा, अल्लाह मांग गाड़ी का दिखावा कपड़े का दिखावा रिश्ते बन रहा है शादी में 2 लाख का अल्लाह माफ करे सब जितना हो दिखावा, अब एक दावत है कि उससे बड़ी दावत, हदीस में आया जो दावत दिखावे के लिए हो फ़ख्र के लिए हो उसमें जाना नहीं, रसूलुल्लाह की हदीस जो दावत दिखावे के लिए फ़ख्र के लिए हो वो जाना नहीं है। आज काम नहीं चल रहा है, यहाँ गए दावा में 2 मीटर थे दूसरा वाला मैं 4 मीटर रखता हूँ तीसरी जगह का है तो 8 मुर्गी 6 मीटर, अल्लाह माफ करे भाई हम सबको इखलास दे इत्तेहाद मोहम्मद दे हम सबको एक और नेक कर दे हमारी मदद करे। और कुरान हदीस साबित है आजमाइश मोमिन दुनिया में आए सब लोग तो आए मखलूकात इबादत के लिए मोमिन इबादत के लिए साथ साथ आजमाइश के लिए आया है मुसीबतों में घिरा हुआ है शैतान एक इम्तिहान नफ्स अम्मारा का इम्तिहान माल एक इम्तिहान दौलत एक इम्तिहान औलाद एक इम्तिहान औरतें एक इम्तिहान कुरानी आया था
इन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना, तुम्हारा माल तुम्हारी औलाद आजमाइश फितना है, नियमत भी है वही आजमाइश भी। औरत माँ के रूप में तो पूछ लो को अल्लाह उसके बाद नंबर माँ का है, बीवी है अल्लाह की नमत, बेटी अल्लाह की नमत, वही इम्तिहान भी होता है, वही औरतें बोले भाया भाया गले काटते हैं, दुश्मनी कर लेते हैं, दूर हो जाते हैं, माँ बाप को छुट्टी कर देते हैं, पैसा ज़रूरी है इसके बगैर चलता नहीं, वही पैसा इम्तिहान भी है, उसके लिए इंसान गला काटता है, पैसे अदालत जाता है, झूठे पेपर बनाता है, मुफ्त की रोटी खाता है, कब्जे करके वफ के सब डाल लेता पैसा। मेरे भाई अल्लाह हमारी सलाह फरमाए बातें बहुत सी है, और ख़ास बात यह है कुरान जो कहता है मोमिनों के सिवाय काफिरों को दोस्त मत बनाओ। बास तो मुंह से बोलते हैं दुश्मनी, बस ऊपर मीठी बात करते हैं काफिर, दिल में दुश्मनी उनके, कभी काफिर को दोस्त मत समझो, धोखा दे रहा है। कद बदल दिल बाबा वद्दू मा अनितुम, वो काफिर चाहते हैं कि तुम मुसीबत में पड़ जाओ, तंगी में पड़ जाओ। कद बदल दिल बाबा मिन अफवाहिम, उनके गुफ्तगू से उनकी बातों से उनकी दुश्मनी जाहिर है। वमा तुख्फी सुदूरुहुम अकबर, और जो दिलों में आ गए मुसलमानों तालों से खतरनाक आ गए। फिर आगे माता है हाँ तुम बोला तो हिब्बू न हो वाला हिब्बू न हो, तो अजीब हो कि काफिरों तो दोस्ती कर मोहब्बत करते, वो तुमसे मोहब्बत नहीं करते। क्या है वैदा खलू अजू अला मिलाज कालू आमन्ना वैदा लोग आमनू कालू आमन्ना, कहते अरे मोमिन मुसलमान अकेले होते हैं तो गुस्से में मोमिनों पर उंगलियाँ काटते हैं। वैदा खलो आजू वाले की आना मिले मिला गई, इतना गुस्सा है मुसलमानों पर उंगलियाँ काटते हैं। हम लोग हैं धोखे में, बार बार कर रहा है काफिर तो बोला धोखा है, काफिर धोखा दे रहे हैं, कोई काफिर दोस्त नहीं होता। अल्लाह तकदुल का बिना औलिया मिंदुनिल मोमिनीन, मोमिनों को छोड़कर अपना दोस्त मामला गिरफ्त कर सकते हैं, गहरा दोस्त मत बनाओ, उन पर भरोसा मत करो, धोखा दे रहे हैं आपको, कुरान कह रहा धोखा दे रहे हैं लोग, कोई काफी दोस्त नहीं है, कोई ऊपर लड्डू में जहर दे रहा है, कोई जम्बिया बता रहा है, कोई ऊपर मिट्टा नीचे काम कर रहा है। अल्लाह हमारे में इतना मोहब्बत दे, मुसलमानों को दिलों को जोड़ दे, हमारे आमा भी ख़राब हो गए। कुरान में ये भी आया है, कुरान याद है वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसब अयदीकुम, तुमको जो मुसीबत पहुँचती है तुम्हारे बुरे आमाल का नतीजा होती है, हमारे आमाल की वजह से भी मुसीबतें आती हैं। देखो गैर जरूरी जुलूस लेकर कोई गए महल तीन को गोली मार दी, भुगत मुफ्त में मार दी, जुलूस लेकर कोई चले गया निकल गया वहाँ, रात में पटाखे मारे, दिन में महल के गरीबा मारे फुकट में मार खा गए, तो क्या है गुनाह भी माफ़ है और हमारे आमाल भी हैं। और असल बात क्या है, मोमिन दुनिया में इम्तिहान देने के आया है, कुरान गवाह है, ईमान वाला दुनिया में इम्तिहान देने के आया है, आजमाज़ में घिरा हुआ है, शैतान है, नफ्स मारा है, दौलत है, मुसीबतें हैं, इस पर कौन ही आया, बेशुमार गवाह है, हदीस गवाह है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अद्दुनिया सिजनुल मोमिन व जन्नतुल काफिर, दुनिया मोमिन का कैद खाना काफी की जन्नत, हमारे लिए कैद खाना है, हम पर पाबंदियाँ हैं, इम्तिहान हैं, मुसीबतें हैं, आफतें हैं, दायमी हमारा आराम राहत का मकाम जन्नत है, वहाँ पर बुढ़ापा नहीं है, मौत नहीं है, बीमारी नहीं है, दुश्मनी नहीं है। हदीस शरीफ में आया है सरकार फरमाते हैं, अल्लाह फरमाता है मैंने आराम और राहत को जन्नत में रख दिया, दुनिया लोग दुनिया में ढूंढते नहीं मिलता, मैंने आराम और राहत को जन्नत में रख दिया है, लोग दुनिया में ढूंढते नहीं मिलता। करोड़ों कमा भाई, 40 के बाद बुढ़ापा आ जाता है, हसीन बीवी बेकार है, बेहतरीन खाने बेकार है, 40 तक डिग्रियाँ लिए, 50 के बाद डॉक्टर बोला ये नहीं खाना गुर्दे, वो नहीं खाना जान प्यार, ये नहीं खाना, रखे हुए नहीं खा सकते, जिंदगी ऐसी हो ना बीमारी आए ना बुढ़ापा आए ना मौत आए, हर नेमत मौजूद हो, वो है जन्नत। अल्लाह तौफीक दे हम समझे बात को, सरकार दुआ की हदीस है अल्लाहुम्मा ला आयशा इल्ला आयशा आखिरा, अल्लाहुम्मा ला आयशा इल्ला आयशा आखिरा, अय अल्लाह दुनिया की जिंदगी जिंदगी नहीं है, जिंदगी है तो आखिरत की है, जिंदगी है तो जन्नत की जिंदगी है, वहाँ पर ना बुढ़ापा है ना बीमारी है ना दुश्मनी है ना मौत है, जो आगे मिलेगा दुनिया में कुछ ना कुछ होता कीना, ससुराल में महल्ले में दिलों में रहता कुछ ना कुछ, जन्नत में कीना भी नहीं है, दिल साफ रहेंगे, जवानी फूल रहेंगी, मौत नहीं बीमारी नहीं। कुरान याद है वरना जाना माफी सुदूरी मिन गिल्लिन,
हम जन्नतियों के दिलों से कीने को निकाल देंगे। दिलों में वो कहीं ना कहीं दुनिया में रहता, थोड़ा बहुत रहता, कुछ भी करो आप कहीं ना कहीं दुश्मनी नफरत दिल रहता, वो मुश्किल है, वो मत वहाँ वो भी नहीं रहेगा। और ये सुन्नत रसूलल्लाह की कोशिश करना कि किसी मोमिन मुसलमान के से दिल में हमारे कीना नहीं होना। रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि अपने हजरत अनस किया उनको फरमाते, आए प्यारे बेटे तुझसे मुमकिन हो सके तो सुबह और शाम ऐसी गुजार कि तेरे दिल में किसी मोमिन के मुतालिक कीना ना हो। इसलिए कि मेरे प्यारे बेटे ये मेरी सुन्नत है, जो मेरी सुन्नत मोहब्बत करेगा वो जन्नत मेरे साथ होगा। बात ये मसीह मेरे भाई, सुनाना मुश्किल नहीं है, सुनना भी आसान है, अमल मुश्किल है। अल्लाह अमल दे, इम्तिहान में साबित कदम रख, सबर दे, आजमाए से बचा ले, एक और नेक कर दे और सारे नेकी आता फरमा, सारे गुनाह बचा लिया। और ख़ास बात जो है दुआ की बात करता हूँ, अल्लाह हम सबको दुआ करिए, अल्लाह कर दे। अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदना मौलाना मोहम्मद वाला अली सैयदना मौलाना मोहम्मद वसल्लम, या अल्लाह तमाम मुसलमानों को अपने करम से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से दुनिया व आखिरत की सारी कामयाबियाँ अता फरमा, तमाम नाकामियों से बचा ले, इत्तेहाद मोहब्बत दे, एक और नेक कर दे, और जो है शैतान के शर से, नफ्स के शर से, आजमाइशों से, मखलूकात फितनों से, दुनिया आखिरत तमाम फितनों से, तमाम की हमारे घर वालों की हिफाजत फरमाए। अल्लाह पाँच वक्त नमाज, अल्लाह रमज़ान करीब है, पाँच वक्त की नमाज, रमज़ान के रोज़े, माँ बाप की खिदमत, हलाल रोज़ी, सारी नेकियाँ तेरी रजामंदी का अता फरमा, तमाम गुनाहों से बचा ले, एक और नेक कर दे, हलाल रोज़ी दे। इन अल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد بارك وسلم الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر لله الحمد سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللہ تعالی کے فضل و کرم سے تمام کی دعاؤں سے تعاون سے مسجد کافی پہلے تو یہی اتنی مسجد تھی ڈبل ہوئی اس کے بعد الحمدللہ ادھر फर्स्ट सेकंड थर्ड फ्लोर बन गए, ग्राउंड फ्लोर और दो फ्लोर पैखाने नए बन गए, ये छत भी पड़ गया है, ऊपर भी जो है छत पड़ चुका है, उसके और छत पड़ा है, फर्स्ट फ्लोर के ऊपर और छत पड़ा है, और ये सिलसिला जारी है। अभी कुछ काम बाकी यहाँ का भी, आप जानते हैं पैसा इतना गिर गया है कि मामूली काम करो लाखों का खर्चा है, तो यहाँ का भी गेट लगाने का है मामला, खिड़कियाँ हैं, लाइट की फिटिंग है, ऊपर फ्लोर पड़ा है, फर्स्ट फ्लोर पड़ा, सेकंड फ्लोर पर भी छत पड़ने वाला है, उसके लिए बाद नमाज के कपड़ा पकड़ लें हर जुमा, आप लोग मस्जिद की तामीर में दिल खोल कर डालें, यही हमारे मरने बाद आने वाला है, मौत के बाद यही आने वाला है, हमारा ईमान है, कुरान में अल्लाह का फरमान है, मा इंदकुम यनफदु व मा इंदल्लाहि बाक, सूरह नहल की आयत, तुम्हारे पास है जो कुछ है वो ख़त्म हो जाएगा, जो अल्लाह के पास बाकी रहेगा, हम जो दे रहे खुदा के नाम है, सगी बहन बेवा बहन को, भाई को, तंगदस को मस्जिदों में दे रहे, ये मौत के आने वाला है, और जो खाते पी रहे सकर्मा, तू जो खाते हो पैखाना बनता, पहनते हो फाड़ के उतारते हो, छोड़ के मरते वारिसा लड़ लेते, अपने हाथ से जो दिए अल्लाह के लिए वो तुम्हारा है, ये आने वाला है। तो बाद नमाज कपड़ा पकड़ते हैं, हर जो पकड़े कपड़ा बाकी तामी के लिए, आप लोग नमाज के बाद कपड़े में बाकी तामी के लिए दिल खोल कर अल्लाह के नाम डालें, अल्लाह हम तमाम को तौफीक अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम। वो सीडी डीवीडी आई है मौलाना ताहिरुल कादी साहब की, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु सीरत पर पूरी तफसीली डीवीडी आई है, सिर्फ 100 रुपये हदिया, उसका 100 रुपये कीमत है, पूरी हज़रत अली की सीरत पर बयान है, 100 रुपये में आप घर में देख सकते हैं बैठकर, बाद नमाज हो ले जाइए, सिर्फ 100 रुपये है, मौलाना ताहिरुल कादी साहब की डीवीडी है।